हे गाइस, एक बहुत ही दुखद समाचार है। राहुल का फ्रूट सैलेड आ गया और राहुल अपना व्लॉग एडिट कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग राहुल। आज हम लेट उठे, 7 बजे उठे और अभी हो रहे 7:52। अरे बाप, आज मतलब वाट लग गई। और अभी हम जा रहे हैं गांव। आज आपको कुछ नया दिखाऊंगा गांव में, तो आज का व्लॉग बहुत एक्साइटिंग होने वाला है, एंड तक जरूर देखिएगा, ठीक है? सो गुड मॉर्निंग गाइस, हैव अ नाइस डे। इतना मस्त यहां से लाइट आ रहा है कि इसकी बादल सुबह सुबह फील आ रहा है। चलो अब एडिट करने दो, बाय बाय। ये देखो, ए सोनू, सोनू को, सोनू मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं करता, ये भी नहीं आता। मजा आया, हाथ घुमाओ, सोनू लाइक देखा, हाथ घुमाओ वरना खा जाएगा। मैं सुन, हा हा सुन, हा आई नहीं नहीं। वावड़ी के लिए बस निकल चुके हैं, रास्ते में है। अभी बज रहे 9:15, आई थिंक 10 बजने से पहले पहुंच जाएंगे वावड़ी के लिए। ब्रेकफास्ट लग चुका है, बीवी भी आ चुकी है खाने के लिए, उसको सामने सन पड़ रहा है। मैडम ने अपने चश्मे जो तोड़वा दिए हैं, और चलिए मस्त सा नाश्ता कर लेते हैं। सीताराम दादा, यहाँ दादा आए हैं घर का तेल निकालने के लिए। मतलब हम यहाँ पर मूंगफली की बोरियाँ लेके आए हैं जिसमें से हम तेल निकलवा रहे हैं, जेने गुजराती माँ घाणी कढ़वो तेपण कहवाए छे। यहाँ पर मूंगफली बोले तो ग्राउंड नट, गुजराती में बोले तो शींग को आराम से अच्छे से दबोच के उसका तेल निकाला जाता है इस मशीन में, और उसके बाद एक साइड से तेल निकल जाता है और दूसरी साइड से उसकी पपड़ी निकल जाती है, जिसे गाय भैंस के चारे में यूज़ किया जाता है ताकि अच्छा दूध निकले। પરીક્ષા હાલે ને આ હાલે ને બધું હાલે રાહુલ, દેખ લેના, ના બતાવ તો બોલના, એમ કઈ ગયા જ નથી, ઘરેથી જ આવી, એમ પેલા હાણોતર ગયા હતા દાદા આગળ ને પછી અહીંયા આવ્યા, પછી વનડે ગયા અને પછી ગાય વાવડી ઘરે આવ્યા। હા દાદા પાસે જઈને આવ્યા ને, દાદા એ કીધું 12 વાગશે ખાવાનું બનાવીને રાખજો એમ કીધું। બાર વાગે આવશે, હા તો અહીં ના બનાવી નાખશે, હું ખાવું જે તમારે ખાવું એ બધા, અહીં તો આમ જાઓ તમે જે દેવ ખાઈ લેવું। જા આપડા ઘર માં શીખ કેળા છે, શીકુડા છે, પછી પોપૈયા છે, એ તો ફ્રૂટ છું, શાક બકાલું જોઈ ને બા, શું કેવાય, અડજો અડજો છે, પછી ઓલું બીજું કઈક લાવ્યા, મા બાપ માર હાર અડે, સંતરા છે, આખું ઓલું ભીરું, હા તે વાંધો નહીં, ખાવું એ ખાઈ લ્યો, અને પછી હા બેન માલ પાણી પાઈને આવે ને તને હારી સાકરીને પાઈ દે, હા હા બેન ને, હા તે વાંધો નહીં, એ નો अरे बस बस, अब इतना प्यार नहीं अच्छा है, चलो। मैं अभी जस्ट बोल ही रहा था कि बाप यहाँ बैठे हो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, बट नहीं, उनको जरा सा भी नहीं, यहाँ से चले गए वो अपना काम करने के लिए।
ठीक है, भैंस को पानी वानी पिला रहे, ऐसा कोई देसी टमेटा जे घरना वाड़ी ना आ टमेटो कला मस्त छे। બા અને દાદા એ શેરડી પણ વાવી છે જે થોડાક સમય પછી પાકી જશે એટલે અમે ખાશું। રીંગણા, વાલોર, પોપૈયો, મરચા, દૂધીનો વેલો, ચીકુડા, જમરૂકડી, આ ગાજર છે જે આપણે ખેંચીએ તૂટ ગયા, ઘર કઈ ગાજર તૂટ ગયા, મેરે સે પૂરા નહીં ખીચા। લીલું લસણ, ચાર પાંચ કળી બહુ થઈ ગયા એના માટે। લીલા મરચા, અને આ લીલી હળદર, પીળી હળદર મતલબ કડી પત્તા, મતલબ કે મીઠો લીમડો, આ કોથમરીનો કેરો છે, લીલી ડુંગળી, સૂકી ડુંગળી, જ્યારે જો તારે એના વાળ આરે કઈક ને કઈક માથાકૂટ કરતા રહેતા હોય। વાળ વધાર્યા છે હે રાહુલ? કાચમાં જોવા માટે વાળ વધાર્યા તમે? ક્યા જબ દેખો તબ કાચ મે દેખ કે અપને બાલો કો સહેલાતે રહેતે હો। તમે કેસે યહાં પર આયા? મેને અપની આંખે દેખી ઓર મેરે કો એસા ઓ માય ગોડ મેરી આંખે કિતની ખૂબસૂરત હે। હાય, मतलब आंखें खूबसूरत, ऐसे आंखें खूबसूरत नहीं, बढ़िया जो अंदर का होता है ना वो एकदम मस्त दिख रहा था, एकदम चमक रहा था। क्या अपने घर पे इतनी लाइट नहीं होती? नहीं, यहाँ बहुत लाइट है, मस्त। कितना का खून किया इन आंखों से? मतलब कुछ भी। हे गाइस, एक बहुत ही दुखद समाचार है, वो ये है कि जो हमारी मिनी थी, छोटी वाली बिल्ली, उसकी डेथ हो चुकी है। सो एक मिनट का उसके लिए श्रद्धांजलि के रूप में एक मॉन्टाज प्ले करने वाला हूँ। सो आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगे। ठीक है, हमारी बिल्ली जो भी हमारे साथ एक दो महीना रही पर खुशी से रही, तो आई होप कि उसकी आत्मा को शांति मिले।